थैंक यू सो मच. आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. बहुत कुछ सीखा इतने सारे इंडियंस के साथ जब मैंने पार्टिसिपेट करा. सब अलग अलग स्टेट्स से थे. दे हैड सो मच टू ऑफर. मुझे लगता था मैं इंडिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर एक्चुअली मैं जब आप लोगों से मिलते हैं जो जिस स्टेट से आ रहा होता है, तब आपको पता लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतनी ब्यूटिफुल चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते होते अपनी कंट्री के बारे में. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग. प्लस वो इतने विगर के साथ, इतने इंथूजिया एज़म के साथ पार्टिसिपेट कर रही थी. आई थिंक व्हेन यू आर कम्पीटिंग विद वेरी गुड विमेन, देन आप खुद में भी काफ़ी अच्छा ग्रो करते हो. होल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स विच आई डिडंट नो, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, योर वॉइस एंड एक्सेंट एंड लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स. आई थिंक इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस टू जस्ट विन मिस इंडिया टूरिज्म एंड देन नाउ रिप्रेजेंटिंग इट फॉर मिस वर्ल्ड इज अगेन अ न्यू जर्नी ऑल टुगेदर. वेरी वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली. सो वी हैव क्लिनिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमारे ब्यूटी क्लिनिक्स हैं, हमारे ब्यूटी स्कूल्स हैं. तो मैं अपनी मॉम का ही बिजनेस मैंने ज्वाइन करा हुआ था, उसी के लिए मैंने गिनीज बनाया था. फिर राष्ट्रपति भी मुझे उसी के लिए ही मिला था. बट जब मैं बॉम्बे आई, आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर कि हम यहाँ पे कितने खोल सके. यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आई थी. मेरे दिमाग में बॉलीवुड नहीं था, मिस इंडिया बिल्कुल नहीं था. बट व्हेन आई केम हियर तो मुझे ऑफर्स आने लग गए एंड देन मुझे बोला गया कि जस्ट पार्टिसिपेट इन दैट. सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट ट्राई. मतलब देर वॉज नथिंग ऑन माई एजेंडा कि ये पक्का है, जीतना है एंड ऑल ऑफ दैट. बट व्हेन आई वेंट देयर, देर वॉर सो मेनी नाइस पीपल training you with such nice experience that I started growing as a person and I started loving it. So mujhe laga ki yes, I should take it more seriously. And the whole competition was so immense and so stringent that you have to bring out your best to actually win. So I think that matlab usne mujhe kafi as a person grow kiya. एंड जब मैंने जैसे ही मिस इंडिया जीता, मिस इंडिया टूरिज्म, सो बॉलीवुड के ऑफर्स आने लग गए. एंड यू नो इट वॉज़ अ वेरी ऑर्गेनिक जर्नी. इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने प्लान करके रखा था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी. जैसे कि आपने बताया आपको बॉलीवुड के ऑफर्स आए, तो आप हाल ही में इंदुमती सरकार मूवी आई थी, उसमें आपका आइटम नंबर था, उसके बारे में कुछ बताइए. इंदु सरकार अगैन वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं करा था. जैसे ही मैंने मिस इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करा, तो मधुर सर, मधुर भंडारकर, ही इज़ अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड, तो उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू वर्क विद अस इन दिस फिल्म. आई वॉज लाइक कि मैंने कभी नहीं किया है. ही वॉज लाइक नो डोंट वरी, द फिल्म हैज़ बिन शॉर्ट, बट एटलीस्ट डू द सॉन्ग विद अस. एंड आई वॉज लाइक ठीक है, इफ़ यू फाइन, इफ़ माई पेरेंट्स आर फाइन, लाइक इफ़ एवरीबडी इज़ वर्किंग इन like they're all happy about it, I wouldn't mind trying. And then I started working with Madhur Bhandarkar sir, wo, while doing the song, Vikram Bhatt sir, ka, jo, I started working with him. That was a beautiful experience. So altogether, Bollywood has been a very nice and a very welcoming journey. Bahut hi warm log hain, bahut hi achhe log hain. And I feel that there is a lot to achieve in that field too. डेफिनेटली रणवीर सिंह. आई थिंक उनकी एनर्जी बहुत ही अमेजिंग है एंड ही इज़ माई फेवरेट एक्टर एज ऑफ नाउ. ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ लेजेंड्स लाइक अमिताभ जी एंड शाहरुख खान एंड सलमान एंड एवरीबडी, दे वुड बी ऑलवेज टॉपिंग माई लिस्ट, बट फ्रॉम द रीसेंट हीरोज रणवीर सिंह फॉर श्योर. हाल ही में शशि कपूर जी हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके बारे में क्या कहना? It's very sad and he was one of the most senior actors and you know, to lose a legend like him. But what I would like to see is that उन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को इतना फ्लेवर और इतनी फ्रेग्रेंस दी है कि when a person like that demises या वो जाते हैं, तो अपने पीछे कितनी सुंदर जर्नी छोड़ के जाते हैं जो इतने सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं. एंड स्पेशली यंगस्टर्स लाइक अस, वी वुड वॉन्ट टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स. एंड जितना वो क्रिएट करके गए, एटलीस्ट उसका 1% भी अगर हम क्रिएट कर जाएँ तो बहुत ही बड़ी बात है. अब जल्दी से मिस वर्ल्ड में आप जा रहे हो, उसके लिए कितने एक्साइटेड हो, कितने नर्वस हो? I am very excited and very nervous at the same time because sirf 20 days reh gaye hain and Miss World is happening, Miss World Tourism is happening in January.
तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है एंड मेरी काफ़ी ज़्यादा रिहर्सल्स है बैक टू बैक्स प्लस सोशल इवेंट्स है देन सोशल कॉजेज के लिए हम काम कर रहे हैं स्पेशली विद द ऑर्फनेजेस एंड यू नो ओल्ड एज होम्स. सो देर इज़ अ लॉट टू बी टैकल्ड राइट नाउ एंड विद माई ब्रोकन आर्म क्योंकि मेरी लापरवाही की वजह से मेरा जो हाथ टूट गया है सो उसके बाद प्रेशर डबल हो जाता है एंड आफ्टर मानुषी विनिंग मिस वर्ल्ड सो नाउ एवरीबडी इज़ कॉलिंग मी कि अब हमारे को तुम्हारे से काफ़ी सारी होप्स हैं एंड सो इट्स नाइस लाइक इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी शोकेसिंग योर कंट्री एंड इट्स लाइक अ ग्रेट ऑनर टू रिप्रेजेंट योर कंट्री ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म. बट उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़ जाती हैं क्योंकि यू डोंट वॉन्ट टू फेल योर कंट्री इन एनी वे एंड यू वुड वॉन्ट टू प्रजेंट इंडिया इन द बेस्ट लाइट पॉसिबल.